मैं आज जैसा कि हम सब लोगों को मालूम है संविधान दिवस है, तो सभी को पीबीएसपी की तरफ से मुबारकबाद दिया गया। मैं भी उसमें अपना आप सभी के साथ संविधान दिवस पर हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन पेश करता हूँ। दूसरा, यहाँ इस वर्चुअल मीट में उपस्थित सही सहकारियों को जो सामाजिक परिवर्तन के लिए कि मुहिम में अपना टाइम टैलेंट डिवोट करने के लिए रेगुलरली और सीरियसली उपस्थित हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सभी को जय भीम करता हूं। सहकारियों, जैसा कि हमको मालूम है कि पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के अंतर्गत माननीय काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग के द्वारा जिन विभिन्न विषयों पर हम लोग सीरियसली विचार विमर्श करते हैं, उनमें जैसे कास्ट है, जैसे डेंजरस वायरस जस्ट लाइक कोरोना वायरस, और एजुकेशन फिलोसफी और बहुजन मूवमेंट या अम्बेडकरिज्म, थिंकिंग स्किल दैट इज जस्ट लाइक लाइफ स्किल और इट्स टूल्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, और हमारा ये जो कॉपरेशन दैट इज अनदर नेम ऑफ अम्बेडकरिज्म और ह्यूमनिज्म। और अभी अभी अशोक आदि ग्रेट के बारे में चर्चा शुरू करने से पहले हम लोग रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी के संबंध में, ये जो हमारा सिलेबस है तो इसमें जो जब हम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी की बात करते हैं तो ये बात स्वतः सामने आती है कि हमें किस तरह की सोसाइटी चाहिए, उसका मॉडल क्या होना चाहिए। तो उस मॉडल की तलाश में हम अशोक आदि ग्रेट को, अशोक महान की शासन पद्धति को, अशोक महान के राज की प्रक्रिया को और उस वक्त के जो देश के जो 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 इतिहास रहा है उसको समझने के लिए ये हम ये अशोक महान के संदर्भ में हम लोगों ने अभी पिछले कई दिनों से बहुत सारे साथियों के विचार हम लोग सुन रहे हैं। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी के को जब हम करना है तो हमें कोई मॉडल चाहिए और मॉडल कैसा होना चाहिए, इसके बारे में सबसे अच्छी सीख विश्व के महानतम विद्वान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमें कहते हैं, वो बताते हैं, देयर इज वन पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री विच वॉज द पीरियड ऑफ फ्रीडम ग्रेटनेस एंड ग्लोरी, दैट वॉज द पीरियड ऑफ अशोका द ग्रेट, एट ऑल अदर टाइम्स द कंट्री सफर्ड फ्रॉम डिफीट एंड डार्कनेस। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अशोका द ग्रेट को समझने के लिए उन्होंने हमारे सामने जो बात रखी है, तो ये बात हमारे लिए बहुत अच्छा मार्ग प्रशस्त करती है। और शायद इसी बात को विश्व के महानतम विद्वान जो ज्ञान के प्रतीक कहे जाते हैं, सिंबल ऑफ नॉलेज कहे जाते हैं, बाबा साहब ने देश के बहुजन समाज के लोगों को ये कहा है अपनी बहुत सारी स्पीचेज में, कई जगह उनका, कि अपनी दीवारों पर लिख लो कि तुम इस देश के शासक हो, जाओ अपनी दीवारों पर लिख लो तुम इस देश के शासक हो। तो भले ही हमने ये चीज ना समझी हो ना लिखी हो, लेकिन बाबा साहब ने बहुत उत्तम सीख हमको दी है। अब मैं अशोक महान का जो शासन है और उस वक्त देश की प्रगति समृद्धि कैसी थी, समाज का ताना बाना क्या था, उनकी शिक्षा नीति और स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसी थी, देश की इंटरनल और एक्सटर्नल जो सिक्योरिटी थी वो कैसी थी, देश की सोवरेंटी और हमारे उस वक्त की फॉरेन पॉलिसी, और अभी वेलफेयर स्टेट की बात हमसे पहले
शिवचंद्र मुकेश साहब बोल रहे थे कि देश की जीडीपी उस वक्त दुनिया में नंबर वन थी, हमारे ट्रेड रिलेशंस क्या थे, ये सारी चीज को अगर हम 21वीं शताब्दी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम जरूर चाहेंगे कि हमें ऐसा भारत चाहिए जो स्वर्ण काल के हिसाब से सोने की चिड़िया कहलाए और विश्व स्तर पर जो जो शिक्षा का जो स्तर है जिसमें थिंकिंग स्किल है, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है, अर्थात जो आणविक्ष की विद्या जो सम्राट अशोक अशोक महान के शासन काल में एक ऑप्शनल कंपलसरी प्राथमिक स्तर से स्नातक तक जो पढ़ाई जाती थी, जिसके बल पर हमारा देश विश्व गुरु कहलाया। तो ये जो इन तमाम संदर्भों में हम अगर अशोक महान, जिन्हें प्रियदर्शी कहा जाता है, जो खुद को कोई सम्राट या राजा या महाराजा या चक्रवर्ती सम्राट के रूप में नहीं, बल्कि एक लेमैन के तौर पर अपनी प्रजा के लिए एक पिता की भांति शासक रहा, उनको समझना, उनकी उनके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। अब हम साथ मित्रों, हम जानते हैं कि इतिहास को समझने के लिए दो स्रोत होते हैं, एक तो साहित्य या लेखन लिटरेचर और दूसरा आपका खनन पुरातत्व आर्कोलॉजी। तो ये दोनों आधारों पर हम अशोक महान के बारे में अगर जानकारी करने की कोशिश करें तो हम पाते हैं कि लिटरेचर के तौर पर हमारे सामने ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जिसमें बताया गया है कि ये नंद वंश के बाद, नंद वंश का जब पतन हो गया तो मौर्य काल का उदय होता है। और ये जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य का, ये वैसे तो 1905 में एक श्याम शास्त्री नाम के लेखक हुए हैं जिन्होंने इसे लिखा, और उसमें बताया जाता है, मैंने तो नहीं पढ़ा, कि 15 अध्याय हैं और 180 चैप्टर हैं, और उसका जो सप्तांग विचारधारा उसमें वर्णित है वो काफी रोचक है। और साथ साथ इसमें एक बहुत पॉपुलर किंवदंती ये है कि ये जो नंद राजा नंद है बनाम कौटिल्य चाणक्य, ये इसका ज्यादा उसमें एक टॉपिक, जो इसका एक विषय है खास। तो खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहता। इस अर्थशास्त्र में बताया गया है कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, बिंबसार या जिन्हें बिंदुसार भी लिखा गया है, और अशोक महान, ये सब नंद वंश से इनकी आगे चलकर के उत्पत्ति है। और इनको हालांकि ये अर्थशास्त्र में तो इनको शूद्र नहीं लिखा गया है, उसमें तो क्षत्रिय लिखा गया है, लेकिन जो मुद्रा राक्षस जिसके लेखक विशाल दत्त हैं, वो उन्होंने लिखा है कि ये शूद्र वर्ण से हैं। और जैन साहित्य में भी, जैन बौद्ध साहित्य है उसमें भी इसी तरह का। और एक और जानकारी साहित्य के आधार पर, ब्रह्म कथा मंजरी जिसके लेखक क्षेमेंद्र हैं, और कथा सरित सागर जिसके लेखक सोमेंद्र हैं, तो इनमें इनकी वर्ण शूद्र बताया गया है। मैं इस बात को इसलिए लाना जरूरी समझता था क्योंकि जब हम अपने सम्राट अशोक अशोक महान की चर्चा कर रहे हैं तो हमें ये भी पता लगना चाहिए कि भारत के परिप्रेक्ष्य में, आज के परिप्रेक्ष्य में सम्राट अशोक कहाँ रिलेटेड हैं, क्या वो बहुजन समाज के हैं या किसी बहुजन समाज के नहीं है। तो मैंने ये बात इसलिए थोड़ी उजागर करने की। दूसरा स्रोत तो पुरातत्व या खनन, जैसे आर्कोलॉजी के आधार पर अगर हम जानना चाहें तो ये बहुत पुख्ता हमारे सामने सबूत है सम्राट अशोक को समझने के लिए, क्योंकि इसमें पत्थर का प्रयोग कागज की तरह किया गया है, जो जो एक बहुत बड़ा आविष्कार है। पत्थर का प्रयोग कागज की तरह से हुआ,
और वहीं से ये एक नजीर भी चल पड़ी कि ये पत्थर की लकीर है। तो इसलिए अशोक महान को समझने के लिए हम जो आर्कोलॉजी है, खनन और पुरातत्व का जो हमारे पास आधार है वो बहुत ही मजबूत है, उसे कोई झुठला नहीं सकता। और इसके आधार पर हमें मिलता है कि 269 बीसी से 231 बीसी तक, ये इस कार्यकाल में करीब लगभग 40 अभिलेख पत्थरों पर विभिन्न स्थानों पर जो खनन में पुरातत्व विभाग ने खोज निकाले। और ये 1750 में एक पाटेंदी टी टेलर नाम के एक विद्वान हुए, उन्होंने इसको खोजा। और 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ने में सफलता हासिल की, क्योंकि इस पर काफी चर्चा हो चुकी है तो मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। और ये जो जो हमें अभिलेख मिले हैं 40 के आसपास पुरातत्व विभाग के माध्यम से जो उपलब्ध हैं, तो उनमें 4 भाषाएं सामने आई हैं, ग्रीक है और ये अरमाइक है, प्राकृत भाषा है, खरोष्ठी है। और ये जो अशोक के अभिलेख हैं तो इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक शिला अभिलेख कहे जाते हैं, दूसरे स्तंभ अभिलेख कहे जाते हैं, और तीसरे गुहा या गुफा अभिलेख कहे जाते हैं। जो शिला अभिलेख हैं तो उसमें कुछ बृहद अभिलेख हैं जो 14 हैं, कुछ लघु अभिलेख हैं जो 6 हैं, और इसी तरह से जो स्तंभ अभिलेख हैं वो भी बृहद अभिलेख और लघु अभिलेख के नाम से जाने जाते हैं। और ये गुहा अभिलेख हैं, ये 2-3 हैं जो बिहार में बोध गया में और लुम्बिनी में मिलते हैं। इसमें जो बृहद अभिलेख हैं इनमें 14 अभिलेख बहुत ही पॉपुलर हैं, बहुत जिनके आधार पर हमें सारा अशोक महान के बारे में बहुत पूरी उनकी जो शासन की जो राज की जो प्रक्रिया है, उनकी जो शासन पद्धति है और उनकी जो तमाम जो जानकारियां हमें उपलब्ध होती हैं, इनके बारे में ज्यादातर हम लोग अभी तक कई साथियों के द्वारा हमें इसकी जानकारी मिल चुकी है। बस थोड़ा सा ये जो लघु स्तंभ लेख है इसकी चर्चा पीछे मैं भी कई दिन से सुन रहा हूँ, कुछ साथियों ने नहीं कही करी है। लघु स्तंभ जो है तो उनमें जैसे सांची का लघु स्तंभ है जो रायसेन मध्य प्रदेश में है, सारनाथ का है जो वाराणसी में उत्तर प्रदेश में है, और रुम्बिन देई है नेपाल में, कौशाम्बी में, मैं खुद गया था वहां, तो लघु स्तंभ लेख है बहुत। ये बसपा गवर्नमेंट के टाइम में इसकी व्यवस्था की गई, वहां रोड वोड नहीं थे, तो ये सारी चीजें बहुत ही विशाल का है। ये कौशाम्बी के जो लघु स्तंभ लेख जहाँ मिले हैं बहुत बड़े एरिया में है, और ये निगलीबा नेपाल में है, ब्रह्मगिरी है, सिद्धपुर है, जतिन रामेश्वर है, एरागुड़ी है, ये इस तरह से करीब 15 लघु स्तंभ लेख हैं। और एक और बात जो अभी ये धौली और जौगढ़ में जो शिलालेख मिले हैं तो उनमें कुछ ये जो बृहद अभिलेख हैं तो उनमें अंकित नहीं थे 11, 12 और 13, तो उनको 2 अलग से अभिलेख लिखवाए गए, जिनको प्रथम पृथक अभिलेख शिला अभिलेख और दूसरा पृथक शिला अभिलेख के नाम से जाना जाता है। तो ये शॉर्ट में मैंने आपके सामने जानकारी इसलिए जरूरी रखी। अब मैं अपनी बात रखने के लिए सहकारी, जैसा कि हम सब साथियों को मालूम है कि अशोक महान की जो शासन और उनकी नीतियों के बारे में जो हमें जो जानकारी इन शिलालेखों के माध्यम से जो आपके लघु और बृहद और नामों से जाने जाते हैं, तो ये काफी विद्वान साथियों के माध्यम से हमको काफी जानकारी हमने प्राप्त की है। मैं फिर भी ये जो छठा अभिलेख है जो कालसी शिला अभिलेख के नाम से
जाना जाता है। वैसे उस पर छठे छठा सब अभिलेख जो काफी महत्वपूर्ण है, ये कई शिलालेखों पर इसके बारे में पढ़ने को मिलता है। गिरनार में का जो शिलालेख है वो भी उस पर भी यही षष्ठम जो छठा छठा अभिलेख है उसका उद्धरण है। तो मैं ये जो कालसी का है, ये जो उत्तराखंड का देहरादून है चकराता, वहां पर उत्खनन में उपलब्ध हुआ, और उसके आधार पर मैं संक्षेप में बात रखना चाहूंगा कि इसमें वो कहते हैं कि प्रतिवेदना के बारे में उन्होंने कहा है। प्रतिवेदना का मतलब कार्य की सूचना देना या गुप्त सूचना कहा जाता है। इसमें लिखा गया है, उकेरा गया है कि प्रियदर्शी राजा ने ऐसा कहा। बहुत समय बीत गया, उन सब क्षणों में पहले कभी न राजकार किया गया, न प्रतिवेदकों ने यानी गुप्तचरों ने से कोई सूचना प्राप्त हुई, इसलिए मैंने ऐसा किया है, ऐसा प्रबंध किया। वो कहते हैं यानी प्रत्येक क्षण खाना खाते समय या अंतःपुर में या शयन गृह में या मृगोष्ठ में या घोड़े की सवारी करते वक्त या अथवा पालकी पर अथवा उद्यान में, यानी सर्व जो प्रवेदक हैं प्रतिवेदक हैं यानी जो उनके जो उनके जो सूचना देने वाले गुप्तचर हैं, उन लोगों को मुझे प्रजा का प्रयोजन बतलाएं। वो प्रजा की जो भी जो 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 उनकी जरूरतें हैं, जो उनकी उनकी जो जो भी सहूलियत हो सकती है, तो उसके बारे में उनके प्रयोजनों के बारे में मुझे बताएं। मैं प्रजा का कार्य सर्वत्र करूंगा और जो कुछ मैं अपने मुख से दायकों या श्रावकों को आज्ञा दूं या फिर महामात्रों को किसी आकस्मिक कार्य के अवसर पर आज्ञा दूं और उस विषय के संबंध में यदि मंत्री परिषद में कोई विवाद या वितर्क उत्पन्न हो तो वह मुझे शीघ्र यानी तत्काल और उसी समय उसी जगह बताना चाहिए। मैंने ऐसी आज्ञा दी है क्योंकि मुझे अपने परिश्रम और राजकार्य करने में पूर्ण संतोष नहीं है। सबका हित करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ और फिर उसका मूल है उत्थान। और राजकार्य संपादन के बारे में वो कहते हैं, क्योंकि सब लोगों के हित की अपेक्षा कोई अन्य श्रेष्ठ कार्य नहीं है, ये लिखा हुआ है उस पर, नास्ति कमंतरं सर्वलोक हितत्या। तो इसमें भूत ऋण से उऋण हूँ, यहाँ लोगों को सुखी करूं और अंत तक लाभ लाभ करवाऊं, अतः यह धम्म लेख लिखवाया गया है कि चिरस्थायी हो और मेरे पुत्र और पौत्र प्रपौत्र भी सब लोगों के हित के लिए पराक्रम करें। उत्तम पराक्रम यानी प्रयत्नों की पराकाष्ठा, उच्च कोट का प्रयास, ये इसके बिना ये बहुत दुष्कर है, ये हो नहीं सकता। तो वो मतलब इस काम को करने के लिए यानी पराकाष्ठा की बात करते, प्रयत्नों की पराकाष्ठा। इस प्रकार पत्रों के इन शिलालेखों पर जो करे गए आदेश हैं प्रियदर्शी अशोक महान, तो कि उनकी कल्याणकारी शासन प्रक्रिया की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है और ये कहा जा सकता है कि वह कोई राजा महाराजा न होकर प्रजा के लिए एक कर्तव्यनिष्ठ पालनकर्ता प्रतीत होता है, ये सम्राट अशोक। ये जो मतलब जो मैंने षष्ठम अभिलेख के बारे में जो बात उन्होंने लिखवाई है पत्थर पर, तो पत्थर पर लिखी हुई बात को कोई मिटा नहीं सकता, कोई झुठला नहीं सकता। तो इसको पढ़कर के सहज ही हम लोग समझ सकते हैं कि वो राजा महाराजा की तरह से नहीं दिखाई दे रहे अशोक, बल्कि एक कर्तव्यनिष्ठ मतलब किसी के पालन करता, किसी के गॉड फादर, किसी के एक तरीके से देखा जाए तो ले में। तो ये बात इससे हम कह सकते हैं कि वह एक ऐसा शासक हुआ है जो पूरी तरह संवेदनशीलता और सामाजिकता को अपने प्रजाजनों के बीच स्थापित करता है। अपने भौतिक सुखों का त्याग करके न केवल अपने राज्य की जनता बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए, इसमें मैं समझता हूँ पशु पक्षी भी हम शामिल कर सकते हैं क्योंकि उनके जो कार्य हैं उसमें पशुओं की चिकित्सा जो दूसरा अभिलेख है,
और पक्षियों के लिए ये जो रास्तों पे उन्होंने वृक्ष लगवाए फलदार छायादार, तो उसमें मनुष्य और पशु दोनों का ख्याल रखा, पक्षियों का भी ख्याल रखा। तो ये संपूर्ण मानवता के लिए उदारता और परोपकार करना ही उसने अपने राज्य का महान उद्देश्य अर्थात राजकीय लक्ष्य बना रखा है, बना रखा था। राज्य के समस्त नागरिकों के को जो एनक्लोज नेस्ट थी, जो उन्हें अक्सर लोगों को फॉल्स इंफॉर्मेशन के द्वारा, इंफॉर्मेशन पॉल्यूशन के द्वारा जो एक तरीके से भ्रम में रखा जाता है, या एनक्लोज माइंडनेस जिनकी, तो उसे बाहर निकालने के लिए समस्त नागरिकों को उन्होंने लिबर्टी यानी लिबर्टी की आजाद लिबर्टी दी उनको। लिबर्टी राजतंत्र में बहुत कठिन काम होता है, और सर्वांगीण विकास के लिए, अपने नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए इंडिपेंडेंस, ये सम्राट अशोक के, अशोक महान के शासन काल की जो जो राज प्रक्रिया है उसमें हम इन शिलालेखों के माध्यम से देखते हैं, और ये सब लागू किया उन्होंने। और इसके अलावा आइडियल डिजायरेबल सोसाइटी हम पाते हैं, और सोशल एंडोसमोसिस निर्मित करके उन्होंने जो सोच विचार करने वाला समाज बनाया, जो किसी भी राजतंत्र में बेहद ही जोखिमपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि अगर जनता बहुत ज्यादा एडवांस होगी तो ये किसी राजा के लिए, किसी राजकाज में बहुत टफ काम है। यहाँ तो आज हम देखते हैं कि जो सरकार ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, तो उनको भी इतना लिबर्टी इक्वलिटी लिबर्टी ऑफ ये जो आपकी इंडिपेंडेंस है उसमें कहीं ना कहीं उन्हें पॉल्यूट करके रखा जाता है, उन्हें भ्रमित करके रखा जाता है, उन्हें अनजान बना के रखा जाता है, ज्ञानी बना के रखा जाता है। अभी आपने कोरोना के पीरियड में देखा कि बजाय उनका इलाज करने के लिए, उनकी टेस्टिंग करने के, उनसे कहा कि भाई थाली बजाओ ताली बजाओ, और अंधेरा करके, उन्होंने ये भी चिंता नहीं की इससे ग्रिड फेल हो जाएगी पूरे देश में, मतलब सारी उसको जो जो इलेक्ट्रिसिटी थी तो उसको जोखिम में डाल करके लॉकडाउन उसको कर दिया गया, और लोगों से कहा भी अंधेरे में आप मोमबत्ती जलाओ टॉर्च जलाओ। ये तो ये इस डेमोक्रेसी में है, लोकतंत्र में, जबकि राजतंत्र में तो ये बहुत जोखिम भरा काम था, लेकिन अशोक चूंकि इसीलिए उनको महान कहा जाता है, अशोक आदि ग्रेट कहा जाता है उनके उसमें। और हम क्या देखते हैं, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, तो ये एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण अशोक महान के शासन काल का हमें मिलता है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि व्हाट वाज द सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल गवर्नमेंट गवर्नेंस ऑफ अशोका द ग्रेट, हु हैड मिनिमम मिलिट्री फोर्स एंड मिनिमम पुलिस फोर्स, इवन दो हिज गवर्नेंस हैड प्रोटेक्टेड द एम्पायर्स बाउंड्री ऑफ ट्रिपल इंडिया। एम्पायर्स बाउंड्री ऑफ ट्रिपल इंडिया के मतलब आज की भारत से तिगुना भारत, तो उसकी एंटायर बाउंड्री को, सारी सीमाओं को वो प्रोटेक्ट करता है। कब? जब मिनिमम मिलिट्री फोर्स मिनिमम पुलिस फोर्स, और साथ साथ मेंटेन्ड इट्स एब्सोल्यूट सोवरेंटी एंड मेड देयर पीपल हैप्पी एंड प्रॉस्पर। ये वंडरफुल जो काम हम देखते हैं अशोक महान के शासन काल में, तो ये इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि अशोक महान ने अपने नागरिकों को के अंदर ट्रस्ट पैदा किया, उनके अंदर एंडोसमोसिस पैदा किया, और इसलिए ना उनके शासन काल में इतने बड़े देश की जिसकी सीमाएं काबुल और कंधार तक थी, और ये आपका म्यांमार और ये नेपाल और ये सारी जो भारत का हिस्सा हुआ करते थे, तो उसमें ना तो अंदर से कहीं विद्रोह हुआ और ना कहीं एक्सटर्नल कहीं अटैक हुआ, किसी बाहर से भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो मतलब इसकी सोवरेंटी को चैलेंज करता। तो ये जो अचीवमेंट है अशोक महान का, ये उसकी राज की जो जो क्रिया राज की जो प्रक्रिया है, राज संचालन की जो प्रक्रिया है, उसका
उसके उसके कारण हमको नजर आता है। और उन्होंने एक शिलालेख में लिखवाया भी है कि जो कुछ भी मैं लोगों के जीवन में प्रगति और समृद्धि ला सका हूँ, वह उन्हें सोच विचार करने वाला बनाकर ही ला सका हूँ, ऐसा शिलालेख में लिखवाया गया है, जो उन्होंने स्वयं लिखवाया है। तो अब हम सोचे कि हमें कैसा राज चाहिए। आजकल नए नए राज आने की बात अपने देश में भी हो रही है कि इसका राज आए, उसका राज आए। तो अब हम सोचे कि हमें कैसा राज चाहिए। हालांकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जरूर शुरू में ये जब बात कही कि देयर इज वन पीरियड ऑफ इन इंडियन हिस्ट्री, तो वही वो कहते हैं कि मौर्य पीरियड वाज ए पीरियड व्हेन चातुर्वर्ण्य वाज कंप्लीटली एनिलेटेड व्हेन शूद्रराज यानी प्रेजेंट बहुजन समाज हु कॉन्स्टिट्यूटेड द मास ऑफ द पीपल हु कॉन्स्टिट्यूटेड द मास ऑफ द पीपल केम इन टू देयर ओन। जब उन्हें अपने जब उन्होंने अपने आप को पहचाना, अभी बहुजन समाज जो वर्तमान प्रेजेंट बहुजन समाज है ये नहीं पहचान पा रहा, ये तो सिर्फ अपना बस 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 इसका तो सिंगल पॉइंट प्रोग्राम है कि वो अपनी कास्ट की बाउंड्री में है। लेकिन उस वक्त उन्होंने उसको एनिलेट कर दिया था कंप्लीटली, बाबा साहब लिखते हैं। और जब उसे अपनी जो मानवीय गरिमा का और सम्मान का एहसास हुआ यानी केम इन टू देयर ओन, तो दे बिकेम द रूलर्स ऑफ द कंट्री। तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शायद इसीलिए हमको कहा अपने बहुजन समाज के लोगों को कि जाओ अपनी दीवारों पर लिख लो कि तुम इस देश के शासक हो। पहले हम समझते थे कि बाबा साहब ने हमारे बारे में तो बहुत घटिया घटिया चीजें हमको पढ़ने को देखने को मिलती हैं, ये कहाँ से लिख दिया कि हम देश के शासक हैं। अब मुझे ये अशोक महान का जो इतिहास है, और मैं रेडी हूँ MKSOT का, जो ऐसे ऐसे सिलेबस के माध्यम से हम लोगों को अपडेट करने की लगातार प्रयास कर रहा है कि हमको ये जानकारी हुई कि हम तो इस देश के शासक रहे हैं। जो अभी आप सम्राट अशोक को जब देखते हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो लिखा है कि दे केम इनटू देयर ओन एंड बिकेम द रूलर ऑफ द कंट्री। तो इसलिए मैं लास्ट में ये बात कहते हुए, जो एडवर्ड डीमोनो जब भारत में आए थे सन 2000 में, तो उन्होंने भारत के लोगों के बारे में कहा था कि वी थिंक देयरफॉर वी कैन डिजाइन ए वे फॉरवर्ड, वी थिंक देयरफॉर वी कैन डिजाइन ए वे फॉरवर्ड। और दूसरा उन्होंने कहा कि डोंट जस्ट थिंक, थिंक क्रिएटिवली, जो डोंट जस्ट थिंक, थिंक क्रिएटिवली। तो अगर ये दोनों चीजें हम समझ पाए, और ये जो हमें अशोक महान के शासन की जो प्रक्रिया है उसको जो जो कोई लिखी वैसी बात नहीं है जो कोई भी तोड़ मरोड़ दे उसे, ये उनके द्वारा लिखाई हुई आज से 2300 वर्ष पूर्व जो चीज है, जो आज पत्थर की लकीर है, कहावत है पत्थर पर लकीर, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। और जो अशोक महान का जो अपने प्रजाजनों के साथ व्यवहार है, जो उसको पुत्रवत और पुत्रीवत समझना प्रजा को, और स्वयं को पिता तुल्य समझना, तो ये जो माई बाप का जो एक जो जो मुहावरा जो अक्सर माई बाप, तो ये मैं समझता हूँ कि उसी शासन काल की देन है जो सम्राट और अशोक महान का जो एक अद्भुत शासन काल रहा है। अब मैं अंत में समाप्त हो गया। पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम और MKSOT का जो बहुत पॉपुलर सोच है, एक तरीके से नारा भी बनता जा रहा है कि अशोक राज आएगा सबको भयमुक्त बनाएगा, ये आपको दोहराते हुए अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद, ओवर थैंक यू टू सर, थैंक यू। प्रियंका।